खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सदर थाना पुलिस ने विवादित कृषि भूमि में हुए मर्डर मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध हथियार देने वाले बीरेन सिंह उर्फ बग्गी को गिरफ्तार किया। मर्डर मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी सीताराम ने पूछताछ में बग्गी का नाम लिया था। पुलिस ने पकड़े गए युवक को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी सीताराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता की जांच कर रही है। 23/5/2024 को गंगावली गांव के पास कृषि भूमि पर कब्जे की बात को लेकर के कुछ लोग किराए पर गए थे। वहां पर जो लोग किराए पर गए थे उनकी आपस में किसी बात को लेकर के बोलचाल हो गई, जिसमें सीताराम नामक व्यक्ति ने श्यामलाल और श्यामा के सिर में गोली मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई, जिस पर थाना आजा पर धारा 302 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ था। अनुसंधान से सीताराम के विरुद्ध धारा 302 प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर बाद तफ्तीश न्यायिक का परीक्षण भिजवाया जा चुका है। सीताराम से तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि जिस हथियार से गोली चली थी वो हथियार वीरेंद्र सिंह उर्फ बग्गा नामक व्यक्ति जो इन्हें वहाँ लेकर गया था ने उपलब्ध करवाया था। अनुसंधान से वीरेंद्र सिंह बग्गा की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे अनुसंधान जारी है।